अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगी। सिर्फ दो ऑयल हमें इसमें ऐड करने हैं और ये ऑयल आपके बालों को लंबा घना करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इस ऑयल से आपके बाल गिरना भी बंद होंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ तेज़ हो तो उसके लिए भी ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले जो ऑयल मैंने लिया है वो है आंवला ऑयल। इसका कलर इस तरह से होता है, कुछ बहुत ही प्यारा कलर होता है इसका। और आपने प्योर ही ऑयल यूज़ करना है। प्योर ऑयल आप यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छे और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 3-4 टेबल स्पून है मेरे पास आंवला ऑयल। पर इसमें एक और ऑयल मैंने ऐड करना है, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है और आपके बालों को लंबा घना करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए 1 टेबल स्पून आपने कैस्टर ऑयल ऐड करना है। कैस्टर ऑयल आपके बालों को लंबा करता है, घना करता है। इसके अलावा बालों को जो गिरना है उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है, हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। और इसको यूज़ करने से पहले आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। डबल बॉयलर प्रोसेस की वजह से गर्म कर लें या फिर धूप में रख दें, थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, तब आप इसका अपने बाल में मसाज करें। और मसाज आपने इसका 10-15 मिनट के लिए करना है। मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप ऑयल को अपने बाल में लगा सकते हैं तो आप लगा लें। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले इस ऑयल का अपने बाल में मसाज करें, सुबह उठकर वॉश कर लें। डेली नहीं करना आपने, एक दिन छोड़कर एक दिन इस ऑयल का अपने बाल में मसाज करें। आप देखेंगे कि आपको किसी शैम्पू में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी यही चीज़ें होंगी। बस इस ऑयल को ऐड कर लें अपने जो रूटीन में, तो आपके बाल काफ़ी अच्छे और स्मूथ हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर आप घर में ट्राई करें एंड मुझे बताएं आपको कैसे रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर